हेलो गाइस, वेलकम टू अंकित क्रिप्टो के मजे। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता, तो चलिए शुरू करते हैं। 1.5 लीटर पानी हमने उबाल लिया है, इस पर अब हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसके बाद इस पर हम डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डालना है, मैंने लिया है 2 टीस्पून इसमें मिलाने के लिए। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में भी डाल सकते हैं थोड़ा। इसके बाद मैक्रोनी डालने से पहले इसे अच्छे से पहले एक बार मिला लेंगे। मैं यहाँ मिला देता हूँ इसे, और अब इसमें डालेंगे हम मैक्रोनी, और इसे अब अच्छे से दोबारा से मिक्स कर देना है। इसमें हमारा पानी में वो आ गया है उबाल, अब इसे हल्का हल्का चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। पास्ता अब उबल चुका है, लग तो रहा है उबला हुआ। चलिए इसे टेस्ट करते हैं कि ये पूरा बना है या नहीं। इसके लिए किसी एक दाने को काट के देखना है कि कितना कट रहा है। हाँ, ये लगभग उबल चुका है क्योंकि अभी बनाने में और थोड़ा पकेगा। तो चलिए अब इसे छानते हैं। इसका पानी हमें रखना है, पूरा फेंकना नहीं है क्योंकि ये बाद में बनाने के काम में आता है। देखिए लगभग इतनी तो ये मैक्रोनी बन गई है। चलिए गाइस, अब बनाते हैं व्हाइट सॉस। इसके लिए मैंने कढ़ाई को पहले हल्का सा गर्म किया है। इसमें डालेंगे लगभग आधी टिक्की मक्खन, यानी 2 चम्मच के लगभग मक्खन चाहिए मुझे इसके लिए। चलिए अब मक्खन पिघल चुका है तो हम डालते हैं इसमें मैदा। और अब इसे लगातार भूनना है इसमें। ये तो बिल्कुल सूखा रह गया। गाइस, हमारा मक्खन रह गया था थोड़ा सा कम, तो हमने भी लगभग 1 चम्मच पौन टिक्की मक्खन यूज़ किया है। अब इसमें ये पूरा हो जाना चाहिए। इसको ये भूनना है हमें हल्का हल्का। अभी तो ये आटे जैसा बन गया है। इसको जलने नहीं देना, ये याद रखना है बस इसमें। गाइस, अभी ये पूरा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 किलो दूध। और इसमें डालेंगे हम लगभग 1 गिलास पानी। और अब इसे चलाना है वापस। गैस को रखेंगे अब हम मीडियम पे। बीच में मैंने थोड़ी देर के लिए 0 पे कर दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ये जल ना जाए। गाइस, मुझे तो लग रहा है अब ये बिल्कुल सही हो चुकी है। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं इसकी परत का, ऐसे घुस जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए, ये परत थोड़ी सी मोटी हो चुकी है, इतने में ही इसका चल जाएगा। अब हम डालते हैं इसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, थोड़ा सा वो भी पक जाएगा। ये मैंने पहले ही मिक्स कर लिया है। इसमें है लगभग 2 चम्मच ओरिगेनो और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी बॉइल्ड जो मैक्रोनी है उसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं 0 आंच पे। जैसे ही ये टेक्सचर आने लग जाए तो इसको 0 आंच पे जरूर कर लीजिएगा, वरना इसका टेस्ट जला जला सा भी आने लगेगा। चलिए अब इसमें डालते हैं अपनी उबली हुई मैक्रोनी। ये रही हमारी मैक्रोनी उबली हुई पूरी। ये थोड़ी चिपकी चिपकी सी हो जाती है, इसलिए इससे टेंशन मत लीजिएगा।
जैसे ये दूध में जाएगी ये ठीक होने लग जाएगी। इसमें इसे अब हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मैक्रोनी उबली हुई है तो इसे आराम आराम से मिलाइएगा, इससे घुटेगी नहीं। इसमें हमने जो चिली फ्लेक्स डाला है वो अपने फ्लेवर के हिसाब से डाला है, तो आप अपने हिसाब से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल सकते हैं कि कितना ज़रूरत पड़ेगी। गाइस अब देखिए ये हमारा बनके पूरा तैयार हो चुका है, एक्स्ट्रा पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी क्रीम भी अब ठीक है, टेक्सचर अच्छा सा लग रहा है अब। तो चलिए अब इसके बाद अब इसे टेस्ट करते हैं। इसकी गैस करते हैं पहले बंद। तो मैं इसे टेस्ट करो और बताओ कैसा बना है। सही बना है, क्रीमी और टेस्टी, अच्छा बना है। तो चलिए गाइस अब मैं भी इसे एक बार टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कैसा बना है। काफी बेटर बना है। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस अब मैं भी इसे टेस्ट करता हूँ कि कैसा बना है। मेरे लिए काफ़ी बेटर है। तो चैनल हो गया कर रहा हूँ शुरू दोबारा।